औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे बहन और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अपनी बहन के चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो बआसानी आपको मिल सके। आज जो अमल आपको मैं बताने लगी हूँ, बहुत ज़्यादा आपकी फरमाइश पे कि अल्लाह पाक ने इंसान की बहुत सी ऐसी चीज़ें, यानी कि खाने पीने की चीज़ों में भी बहुत ताकत रखी है, क्योंकि रिस्क है ना। तो इसी वजह से मैं आपको कहती हूँ कि आप कहते हैं कि अभी आप ज्यादातर जो है आपसी जो है प्यार मोहब्बत के अमल बताती हैं लोगों को। आजकल जितनी नफसा नफसी का दौर है, एक मोहब्बत ही तो है जो कम है। जब अल्लाह का जिक्र करते हो तो अल्लाह से एक तलक कायम हो जाता है। जब आप उस अमल की वजह से 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो या अपने प्यारों को मनाने के लिए दिल से नमाज पढ़ते हो तो सही होता है कि अपने रब से आपका तल्लुक कायम हो जाता है। ठीक है, तो जो मैं आपको तरीका बताने लगी हूँ वो आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब सबसे पहले तरीके से मैं आपको, जैसा कि हर दफा हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाती हूँ, लेकिन उसका देखे मैंने अपना जो मकसद है वो आप तक पहुंचा दिया। अब आपका काम है कि मेरी अहदीस को, मेरे नबी की प्यारी प्यारी अहदीस को, ज्यादा नहीं तो कम से कम 40 अहदीसों को राह अल्लाह करें लोगों तक पहुंचाएं ताकि सदका जारिया हो। जो सुनने वाला है उस पर फर्ज है कि मेरी 40 अहदीसों को आगे राह करें ताकि उनकी मुश्किल आसान हो। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई मुश्किल दरपेश होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरी नमाज की तरफ मुतवज्जा हो जाते, चाहे वो नफली नमाज हो चाहे नमाज का वक्त हो। तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ जब कोई अमल करे ना, नफल जरूर दो पड़े, तौबा के पहले अपने गुनाहों से पाक हो जाए, फिर दो हाजत के ताकि अल्लाह से दुआ करे, या अल्लाह तेरा बंदा तेरी बारगाह में हाजिर है, कोई गुनाह है तो माफ कर दे, कोई दुआ कबूल कराना चाहते हैं तो हाजत रवा है, तो मेरे रब मुझे माफ करके मेरी दुआओं को कबूल कर ले, और जो मैं चाहती हूँ मेरी रजा आपसे जुड़ी, आपकी जो रजा है वो अता करे, जो आपकी रजा है उस पे मैं मुतमईन। तो जो मेरी रजा है वो मुझे पता है कि आप मेरे दिल को जानते हैं, तो आप फौरन मेरी दुआ को कबूल कर लेंगे। एक रब से तल्लक तो पहले बन जाए। जो भी दुआ मांगेंगे अभी मुंह से भी नहीं निकलेगी, दिल में आवाज होगी तो फौरन कबूल हो जाती है। आप यकीन माने कि मैं अभी दिल में कोई बात सोचती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी हो जाती है। जब अपने रब से तल्लक कायम हो जाता है ना, तो अल्लाह पाक अपने बंदों पर खास फजीलत और रहमत और बरकत करता है। तो आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। आज के बहुत प्यारे वजीफे की तरफ चलते हैं, और आज एक भाई की तरफ से मैं आपको कुछ समझाने लगी हूँ। वजीफे में भी उन्होंने पूछा कि आप ही बहुत से हमने जो है अमल देखे हैं, ये सब्ज मिर्च सुरख मिर्च का अमल जो होता है इसके बारे में आप हमें बताएं। आज उसी के बारे में बात की जाएगी। एक ऐसा अमल, सिर्फ एक हरी मिर्च आप लें, एक हरी मिर्च, इंतहाई आसान, आप यकीन माने कि बहुत खूबसूरत अमल है, कोई इसमें तौबा नौज़बिल्ला गुना या कोई ऐसी चीज नहीं है। ठीक है, आसान सा अमल है, एक दफा जरूर कीजिएगा। अमल की पढ़ाई, एक सब्ज मिर्च लें, दिन इतवार का होना चाहिए, वक्त मगरिब या फिर इशा, तहज्जुद या फिर फजर, पाक साफ कपड़े, बावजू, दो नफल तोबा, दो नफल हाजत के पढ़ के अपना अमल शुरू करें। एक कागज लें, कागज के ऊपर अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, साथ में दरमियान में आपने क्या लिखना है, या अफूवू, या अफूवू। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे या गफूरू, या अफूवू, या गफूरू, दो लफ्ज लिखने के बाद जिसको आप मुसख़र करना चाहते हैं, अगर किसी की हस्बैंड या मियाँ बीवी का मसला है, कोई बहन भाई में आपसी इस हद तक परेशानी है,
अपनों को मिलाने का, अपने घर में परेशानी है, कोई तकलीफ है उसके लिए, या कोई रिश्तों का मसला है, कहीं रिश्ते की बात चल रही है और वहां पे कोई जवाब नहीं आ रहा, तो ये अमल करें। रिश्ते का ये है कि जिसका रिश्ता आया है उसका नाम, उसके जिससे आपने शादी करनी है उसका नाम, उसकी वालदा का नाम, उसकी वालदा का नाम नहीं पता तो अम्मा हवा, हम एक ही नस्ल से हैं, ठीक है, अब ये आपने करना। नंबर 3, सब्ज मिर्च बिल्कुल हरी हो, वो वासी ना हो या काफी अरसा पहले की, ताजी हो बिल्कुल, और कम अज कम 3 इंच मतलब के हो उसकी लेंथ, ठीक है, बड़ी सारी। अब आपने वो कागज के ऊपर नाम लिख के उसके ऊपर आपने कागज अच्छे तरह, व्हाइट कलर का कागज हो सफेद कलर का, उसके ऊपर नाम लिख के तो आपने पढ़ाई या गफूरू, या गफूरू 33 मरतबा, या वदूदू, या वदूदू 33 मरतबा, अव्वल आखिर 1 मरतबा दुरूद शरीफ, या गफूरू आप अपने लिए पढ़ाई करें, या वदूदू जिससे आप मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं उसके लिए पढ़ाई करें। एक दिन का अमल, आप यकीन माने, ऐसा अमल आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा। अब सब्ज मिर्च को क्या करना है आपने, सब्ज मिर्च को देखें एकदम से तो वो जलेगी नहीं, उसको कम से कम 3 दिन धूप है तो खुशक करें, और अगर नहीं है तो कागज खोलना नहीं है, ठीक है, कागज नहीं खोलना। आप कोशिश करें कि उसको आप अपने किसी तवे के ऊपर रख के हल्का सा उसको सेक दिला के तो आप उसको पास अपने रख लें, ठीक है, कागज नहीं खोलना, उसको किसी अच्छे से कपड़े में लपेट के उसको कहीं तह में छुपा दें, या फिर किसी वजन, कोई ऐसा वजन है उसके नीचे रख दें, ठीक है, लेकिन बेअदबी नाम की ना हो, थोड़ा ऊंची जगह पर रखिएगा, ठीक है, इस तरह की थोड़ा सा वजन होना चाहिए उसके ऊपर। जब आपको जरूरत हो अपने प्यारों को बुलाने की, उनको मनाने की, तो आपने बस ये काम करना है, आपने सिर्फ वो जो मिर्च है उसको अपने वजन के नीचे हल्का सा सेक लगवा के, या गरम मतलब कि उसको चूल्हे के नीचे रख के या धूप में रख के, तो जितना वो मतलब कि हीटर होगी उसके अंदर, आप यकीन माने उतने नामों के अंदर ताकत होगी, उतने जो मुवक्किलीन है वो आपकी हेल्प करेंगे। तवक्कल अल्लाह ताला की जात पे करें, और जब आप अमल कर लें एक दफा, बस आवाज में ये कह दीजिएगा कि अगर कोई अल्लाह के जो फरिश्ते हैं या मुवक्किलीन हैं हमें सुन रहे हैं, तो प्लीज अल्लाह के हुक्म से हमारी मदद करें। आप यकीन माने आपका काम उसी दिन हो जाएगा इंशाल्लाह। अमल को गौर से सुने, अगर कोई बात समझ नहीं आती आपकी बहन आपके साथ है जरूर बताइएगा, इजाजत जरूर लीजिएगा ताकि मैं भी आपको सपोर्ट कर सकूं। अपना ख्याल रखिए, जज़ाकअल्लाह खैरा।